it's the next day, which is Navratri day number 6, I think. Navratri day 6. And मैं नहा चुकी हूँ, अनिल सो रहे हैं, बट मैं उठ के नहा वहा चुकी. अभी मैं आरती कर लूँगी चेंज करके. आज का आई थिंक आज का कलर रेड है. सो मैंने दो ऑप्शंस निकाले हैं. एक मुझे कुर्ता सेट, कुर्ता एंड दुपट्टे का सेट मिला था. इट्स एक्चुअली मोर लाइक अ कुर्ता ड्रेस. तो उसका सेट मुझको एक कोलैब में मिला था लास्ट ईयर, नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर. एक उसका ऑप्शन है और एक ऑप्शन है मेरे पास, एक और ऑप्शन है, वो भी कुर्ता ड्रेस ही है. थोड़ा मजेंटा साइड पे है वो, थोड़ा डीपर रेड का शेड है, नॉट प्रॉपर रेड. सो आई एम थिंकिंग मैं कौन सा पहनूँ. मैं सोच रही हूँ कि मैं वही पहन लूँ जो कोलैब में मुझे मिला था. लेट मी शो यू. ये है ड्रेस, आई मीन प्रीटी मच प्लेन रेड ही है. इसके बस नीचे पे ऐसा बॉर्डर है इस टाइप का. फुल लेंथ है, चुन्नी पे गोल्डन पोल्का डॉट्स है. सो यस, मैं ये पहनने का ही सोच रही हूँ. हाँ, आई थिंक ये ठीक रहेगा एंड ये कंफर्टेबल भी है. ज़्यादा इसमें कुछ हैवी वर्क नहीं है. मैंने मेकअप किया है कल जैसा ही सिंपल, खाके मैं लिपस्टिक लगा के, देन आई विल चेंज एंड फिर पूजा कर ली. रेडी हो गई. आज मैंने थोड़ा सा काजल लगाया है, बहुत ही सालों बाद लगाया है काजल. मैं यूजुअली लगाती नहीं हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से छोड़ चुकी हूँ काजल वाजल लगाना. मोस्टली आईलाइनर ही लगाती हूँ और बहुत टाइम से वो भी बंद ही किया हुआ है. सो आज काफ़ी टाइम बाद लगाया, मेरे को लगा रेड के साथ अच्छा लगेगा. इतनी गर्मी लग रही थी, हर जगह मेरा पसीना पसीना आ गया है. बट यस, रील मैंने बना ली एंड नाउ अब पूजा करूँगी एंड फिर देन हम खाना खाएंगे. एसी के सामने खड़ी हो जाती हूँ. ब्लिस, सिनेमैटिक लग रहा है ना. अब मैं सूख रही हूँ थोड़ा, मेरी बॉडी. मैंने कल वाले झुमके पहन लिए. एक्चुअली मेरे पास इतने मतलब लाइट वेट के हैं नहीं, गोल्ड में, गोल्डन कलर में. सो मैं मोर ऑफन देन नॉट ये वाले पहन लेती हूँ. काजल अच्छा लग रहा है यार, मे बी आई शुड अप्लाई इट मोर ऑफन. व्हाट डू यू थिंक. इनको टीका किया है दोनों को एंड इनको लग रहा है कि टीका हुआ है तो प्रसाद मिलेगा. लेकिन आज मैंने प्रसाद में फ्रूट रखा है, तो फ्रूट तो मैं इनको दे नहीं सकती, ये लोग नहीं खाते, डिमांड करता है. 8 बज गए एंड अपेरेंटली मैं जाके सो गई थी. आई डोंट नो व्हाई, ये जरा सा भी मेकअप करती हूँ ना मेरे को बहुत थकान हो जाती है, नींद आ जाती है. एंड हाँ, बट रील वगैरह भी बनाई थी एंड एडिटिंग में काफ़ी देर से एडिटिंग भी कर रही थी दोपहर में. सो पता नहीं, मेरी आंखें बहुत थक गई थी और मैं मेकअप वेकअप लगा के ही सो गई. तो फिर मैं उठी हूँ तो मैंने जल्दी से खाना बनाया. मैंने मतलब फिल्म नहीं किया, खाना वाना बना लिया मैंने. मिक्स दाल एंड करेले की सब्ज़ी, करेला आलू की सब्ज़ी. एंड ऑल्सो मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था मिंत्रा से, 2-3 कुर्ते ऑर्डर किए थे एंड फुटवेयर ऑर्डर किया था. सो वो भी आज आ गया, बट मेरे में आज हिम्मत नहीं है, मैं कल ही देखूँगी. मैंने एक्चुअली करवा चौथ के लिए ऑर्डर किया है, तो इस बार मैंने पहले काफ़ी जल्दी ही ऑर्डर कर लिया बिकॉज हर बार मैं लेट हो जाती हूँ. इन द मीन टाइम अगर आप मुझको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी हैंडल नेम मेंशन कर दूँगी, रील्स में डाल रही हूँ. सो यस, अच्छा होगा अगर आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें इफ़ यू वॉन्ट, अदरवाइज नॉट. सो लेट्स चेक क्या बनाया मैंने. ये है दाल, मिक्स दाल. मैंने पूरा सब्ज़ी वगैरह काट के, हरी मिर्च वगैरह का प्रॉपर तड़का लगाया है, करेला विथ आलू
पर इस टाइप की सब्जियां मैं ग्रेनाइट की पैन में बनाती हूँ, बट आज मैंने गलती से स्टील की कढ़ाई ले ली एंड उसमें सब चिपके जा रहा था, तो पानी डाल डाल के मैंने किस तरह से बनाया है मुझे नहीं पता पानी से कैसा बनेगा। मैंने इससे पहले कभी करेला पानी में नहीं बनाया, तो अब पता नहीं कैसा बना होगा, मुझा चिपका चिपका सा हो रखा है गुई तो खा के पता चलेगा कैसा है। तब तक ग्रीन टी पी लेती हूँ एंड या ओह माय गॉड सी पिंपल, यही होता है रोज़ रोज़ मेकअप करा तो। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नवरात्रि डे नंबर 8। चश्मा भी बनवाना है तो मैं अपने काम ही कराता हूँ। हेलो, रेडी हो गई हूँ मैं एंड दिस इज माय ड्रेस। अब कर लेते हैं पूजा और फिर चाय पियेंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं व्लॉग स्टार्ट करके बना ही नहीं पाई। मेरी फ्रेंड आ गए थे और एंड उसके बाद मैं उनके घर चली गई थी। आज मैंने भिंडी बनाना है तो भिंडी बनाते हैं। दैट इज़ मिस्टर गुड टू हैविंग हिज ब्यूटी स्लीप विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज मैंने क्या किया है, कंसीलर जो है ना मैंने पूरा ऊपर तक नहीं लेके गई, यहाँ तक बस नीचे नीचे लगाया है, विच ऑफकोर्स हैज़ नॉट कंसील्ड द डार्क सर्कल्स प्रॉपरली। बट आजकल मेरी आईज़ में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है कंसीलर लगा के, क्योंकि वो उतरता नहीं है, देन कॉन्स्टेंट टगिंग एंड पुलिंग उसको अच्छे से उतारने के लिए मतलब मुझसे नहीं हो पाता। सो मैंने सोचा है कि मैं ना पूरा ऊपर तक नहीं, मतलब जो उसे कहते हैं फुल फ्लेज्ड नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा नीचे कर लूँगी ताकि थोड़ी सी पिगमेंटेशन कम हो जाए, बाकी आई डोंट माइंड अगर थोड़ा सा दिखता भी है तो। इट इज़ अबाउट टू बी 8 PM, 7:40 हो रहे हैं और मैंने अपनी रील डाल ली है इंस्टाग्राम पे। अब मुझको भूख लग रही है, मैंने बाय द वे एक और कैमोमाइल टी ले ली क्योंकि मुझको आज सोना ही है जल्दी टाइम पे और मुझे कल टाइम पे उठना है। मतलब मुझे मेरा गोल है कि मेरे को 9 बजे तक उठ जाना है। अगर मैं 9 बजे तक उठ गई तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी मेरा 10 बजे से पहले नहीं हो पाता। पहले चेंज करूँगी, ज़्यादा मेकअप तो आज मैंने किया ही नहीं है, सो चेंज करूँगी, मेकअप रिमूव करूँगी एंड फिर मैं आराम से खाऊँगी खाना। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड द ब्लॉग हियर, मैं एंड द ब्लॉग हियर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सून। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।